कढ़ाई पनीर। कढ़ाई पनीर बनाने के लिए हम सबसे पहले कढ़ाई में 3 से 4 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल डालेंगे और 1 टीस्पून हमने जहाँ पर ज़ीरा डाला है। ज़ीरा हमारा जो है वो रोस्ट हो गया है, अब हम इसमें 1 टीस्पून जो है वो साबुत धनिया डालेंगे। अब जहाँ पर हमने 1 टेबलस्पून जो है वो जिंजर और गार्लिक का पेस्ट डाला है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दें। अब देखिए ये जो अदरक और लहसुन था वो भुन चुका है और अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। हमने जहाँ पर 2 बड़े प्याज जो है उनको लंबी शेप में काटा है इस तरह से, तो हमने इन प्याजों को अच्छी तरह से रोस्ट करना है। अगर आप इसे जल्दी भूनना चाहते हैं थोड़ा इसमें नमक ऐड कर दें। हमने जहाँ पर 1 टीस्पून सॉल्ट जो है वो ऐड किया है ताकि हमारा प्याज जो है वो जल्दी रोस्ट हो जाए। ये देखिए प्याज भुन चुका है। अब हम जहाँ पर रेड चिल्ली पाउडर और कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर 1 टीस्पून हमने ये डाला है, 1 टीस्पून हमने जहाँ पर हल्दी पाउडर डाला, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर और इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स कर दिया है। अब देखिए तड़का जो है वो अच्छी तरह से भुन गया है और अब हम इसमें टमाटो प्यूरी डालेंगे। हमने जहाँ पर 4 से 5 टीस्पून जो है टेबलस्पून जो है वो टमाटो प्यूरी के डाले हैं और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे और थोड़ा इसे भी हम पकाएंगे। जी हमने 2 से 3 मिनट पकाकर और इसमें हमने जहाँ पर पनीर टिक्का मसाला जो है उस वो 1 टेबलस्पून यूज़ किया है। और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर दें। और 1-2 मिनट इसे भी हमें ऐसे ही पकाना है। और इसे पकने के बाद हमने जो 1 बड़ा प्याज जो है वो स्क्वायर शेप में काटा है इसे डाल दें और साथ ही में हमने 1 लाल शिमला मिर्च और 1 हरी शिमला मिर्च इनको भी स्क्वायर शेप में काट कर साथ ही में इसमें डाल देना है और अच्छी तरह से मिक्स कर दें। जो देखिए ये बहुत ही कलरफुल और बहुत ही अच्छी हमारी जो सब्जी है वो बन रही है। और साथ ही में हमने जहाँ पर इसमें 1/2 कप जो है वो पानी डालना है और इसे मिक्स करके ढक देना है। तो हमने जहाँ पर इसे तकरीबन 6 से 7 मिनट तक पकाना है। हीट हमने जहाँ पर मीडियम रखनी है और बीच में हम ऐसे चेक करते रहेंगे कि जी कितनी पक गई है। अब देखिए सब्जी हमारी जो है वो काफ़ी पक गई है, हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि शिमला मिर्च जो है वो अपनी ही स्टीम से काफ़ी अच्छी हो जाती है। और अब हम इसमें 3 से 4 टेबलस्पून जो है वो क्रीम ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये बहुत ही नाइस और बहुत ही बढ़िया कढ़ाई पनीर जो है वो बना है। आप चाहे तो आप ग्रेवी अपने हिसाब से कम से ज़्यादा भी कर सकते हैं। और ये देखिए हमने जहाँ पर 150 से 200 ग्राम के करीब जो पनीर है वो डाला है और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर दें। और साथ ही में हमने जहाँ पर फ्रेश मेथी डाली है इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और साथ ही में अब हम इसे 5 से 7 मिनट तक ऐसे ही गैस को बंद कर देंगे और इसे ढककर पकाएंगे। ये शिमला मिर्च जो है वो अपनी ही स्टीम से बहुत ही अच्छी तरह से पक जाएगी। और अब हम इसे एक कढ़ाई में निकालेंगे। तो जी देखिए जी बहुत ही अच्छा कलर आया है और बहुत ही जमी लग रही है। और जी हमारा जो है नाइस कढ़ाई पनीर जो है वो तैयार हो गया है। आप भी ऐसे कढ़ाई पनीर बनाएं
और अब गर्मा गर्म सर्व करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।